सो व्हाट्सअप गाइज, तो आप लोगों ने इस टाइप की वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा। गाइज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने फेस को वाइट कैसे कर सकते हैं, स्मूथ कैसे कर सकते हैं। साथ ही गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने कपड़े की कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, और तो और दोस्तों आप अपने हेयर को ना प्रोफेशनल तरीके से कैसे एडिट कर सकते हैं और साथ ही वाइट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में पूरा मजा आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना होगा, तो सिंपल से प्लस की आइकन पे गाइस आपको क्लिक करके जिस भी फोटो को गाइस आपको एडिट करना होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं, हेयर को भी एडिट करेंगे, फेस को भी स्मूथ करेंगे, कपड़े की कलर को भी चेंज करेंगे, बैकग्राउंड को भी हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि सारी चीजें इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो गाइस सबसे पहले इस साइड में ना पेंसिल की आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, और देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट वाले पे क्लिक कर देना होगा, और देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद आपको जहाँ पे स्किन आपका डार्क दिख रहा है ऐसे सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को गाइस ऐसे इंक्रीज कर लीजिएगा। तो गाइस ऐसे आप फटाफट से वहाँ ये तरीका कीजिएगा जहाँ पे आपका स्किन गाइस ना डार्क दिख रहा हो। तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ गाइस, और करने के बाद सिंपल गाइस यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आफ्टर बिफोर फोटो की देख ही सकते हैं। तो अगेन गाइज इसी पेंसिल की आइकन पे आपको क्लिक करके और यहाँ पे एक डर्मा का ऑप्शन मिलेगा, तो डर्मा वाले ऑप्शन पे गाइज सिंपली आप क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे ना ब्राइट वन करके लिखा होगा, तो सिंपल से गाइज ब्राइट वन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, और इसकी ना फिल्टर स्ट्रेंथ को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे गाइज, लगभग हम लोग 50 कर देंगे, और सिंपली गाइज यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर बिफोर, तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन और डर्मा पे क्लिक करके गाइस ब्रश को ले लेंगे। अब ब्रश को लेने के बाद साइज को यहाँ से 75 रखेंगे, फोटो को जूम करके आपको अपने स्किन पे ना केवल ऐसे इसे ड्रॉ कर देना होगा, याद रहेगा इस केवल आपको अपने स्किन पे ही इसे ड्रॉ करना होगा। तो गाइज फटाफट से मैं पूरे अपने स्किन पे ना इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर ड्रॉ करने के बाद गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ अगले स्टेप में कि आपको अपने फेस को ना स्नैपसीड ऐप में प्रोफेशनल तरीके से कैसे स्मूथ करना होगा, तो वो भी तरीका गाइज जान लीजिएगा। और गाइज कर लेने के बाद सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा, और गाइज जैसे ही आप बैक होंगे तो आफ्टर बिफोर यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को देख ही सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अपनी फेस को स्मूथ कैसे करना है, तो गाइज सिंपल तरीके से आप अपनी फेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो कैसे करना है गाइज, तो पेंसिल की आइकन पर क्लिक करके और ऐसे आपको सिंपली गाइज नीचे की ओर आएंगे, और यहाँ पे लेंस ब्लर के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना होगा, तो लेंस ब्लर के ऑप्शंस पे गाइज क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ना इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को हम लोग 30 ही रहने देंगे, और नीचे आके ना इसकी विग्नेट को हम लोग फुल्ली डिक्रीज करके सिंपल से इसे पकड़ के ऐसे नीचे साइड में कर देंगे, और राइट क्लिक कर देंगे, और राइट आप जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे तो पूरी फोटो यहाँ से आपकी ब्लर मिलेगी। तो ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन गाइज क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन और लेंस ब्लर पे क्लिक करके ब्रश को गाइज ले लेते हैं। अब ब्रश को लेने के बाद साइज को यहाँ से ना 75 गाइज आपको रखना होगा, 75 रख देने के बाद फोटो को ऐसे जूम करके आपको अपने स्क्रीन पे इसे गाइज ना ऐसे चलाना होगा जैसे कि मैं चला रहा हूँ। तो गाइज जैसे ही आप इसे चलाएंगे ना तो आपका स्किन काफ़ी अच्छे तरीके से गाइज स्मूथ होगा, देख सकते हो। और गाइज मैं आपको बता दूँ साइज आप ना 75 भी रख सकते हो और 50 भी, लेकिन आप 100 बहुत कम ही रखिएगा, क्योंकि 100 रखेंगे तो गाइज मालूम चलने लगेगा कि हम लोग का स्किन जो है ना स्मूथ है। तो गाइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ 50 या 75 रख के आप अपनी स्किन को स्मूथ कीजिएगा, और इतने में भी काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से स्किन आपका स्मूथ होगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं गाइज रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है, और फिलहाल दोस्तों ऐसे स्मूथ कर लेने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ से सिंपल बैक होंगे, और बैक होते ही गाइज जो भी हम लोग का काम स्किन का था वो ख़त्म हो चुका है, आगे हम लोग और स्किन का काम करने वाले हैं। तो गाइज अब बारी आती है ना अपने कपड़े की कलर को चेंज करना, तो गाइज बेहद सिंपल तरीके से कपड़े की कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने हेयर को ना अच्छे से वाइट एंड बड़ा कैसे कर सकते हैं, यानी हेयर को कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले गाइज क्या कर लेते हैं, कपड़े की कलर चेंज कर लेते हैं। तो पेंसिल की आइकन क्लिक करके गाइज डबल एक्सपोजर के आइकन और प्लस के आइकन पे गाइज क्लिक करके यहाँ से एक कलर पैनल को लेके गाइज ना आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो बीच वाले पे क्लिक करके सिंपल इसे सब्ट्रैक्ट क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे डार्केन भी गाइज आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन गाइज क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन
और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को गाइज यहाँ से ले लेंगे और साइज़ को यहाँ से 100 करके और सिंपल से आपको अपनी ना शर्ट या टी शर्ट जो भी है गाइज उस पर कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेना होगा। तो गाइज फटाफट से मैं पूरे अपने कपड़े पे इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आगे के प्रोसेस में गाइज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपने हैंड पे ना टैटू को कैसे ऐड करेंगे। तो गाइज वीडियो को देखते रहिएगा, इसी वीडियो में आपको इतना सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा गाइज ना कि आप भी पागल हो जाएंगे कि शैलेश भाई इतनी सारी चीज़ एक ही वीडियो में। तो मैं फटाफट से पहले तो इसे पेंट कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे ही आप अपने पूरे शर्ट या टी शर्ट पे इसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप की शर्ट या टी शर्ट की कलर आपकी भी चेंज हो जाएगी। तो सिंपल से राइट क्लिक करके गाइस यहां से बैक हो जाएंगे और बैक होते ही गाइस कुछ इस टाइप की फोटो आपकी मिलेगी। तो गाइस इससे पहले हम लोग बैकग्राउंड को चेंज करें अपने हैंड पे ना टैटू को ऐड कर लेते हैं। तो टैटू को भी ऐड करने के लिए गाइस सिंपल से पेंसिल की आइकन क्लिक करके डबल एक्सपोजर प्लस की आइकन और सिंपल से एक टैटू पीएनजी को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस दे दूंगा, वहां से आप सिंपली ना इन सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते बेहद इजी स्टेप में। और गाइज इसे लेने के बाद ना कुछ इस टाइप से इसे अपने हैंड पे एडजस्ट करना होगा और गाइज इसे बहुत बारीकी तरीके से आप कीजिएगा तभी ये बहुत परफेक्ट तरीके से लगेगा। तो मैं इसे बहुत ही बारीकी तरीके से गाइज कर लेता हूँ और गाइज इसे आपको परफेक्ट तरीके से अपने हैंड पे फिट कर लेने के बाद ना बीच वाले पे क्लिक करके इसे डार्केन करके इसकी ऑपेसिटी वाले आइकन पे आके ना इसकी ऑपेसिटी को हम लोग थोड़ा सा कम करके सिंपल राइट क्लिक कर देंगे और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके गाइस ब्रश को लेके ना इसकी ऑपेसिटी को 100 करके ऐसे फोटो को जूम कर लीजिएगा और अपने हैंड पे गाइस ना इसे सिंपल तरीके से ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। तो गाइस आप ऐसे फटाफट से अपने पूरे हैंड पे इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर आगे के प्रोसेस में गाइस मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपने बैकग्राउंड को ना अच्छे तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें गाइस आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस मैंने टैटू को भी ऐड कर लिया है और इस साइड भी हम लोग कर लेते हैं। और गाइज कर लेने के बाद सिंपल आपको राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक होना होगा और बैक होते ही गाइज देख सकते हैं कुछ इस टाइप की रिजल्ट आप लोगों का फोटो का मिल जाएगा। तो गाइज इसकी बैकग्राउंड को हम लोग चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के बाद गाइज मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको अपने हेयर को कैसे एडिट करना है। तो पेंसिल की आइकन पर क्लिक करके डबल एक्सपोजर प्लस की आइकन और सिंपल से गाइज एक बैकग्राउंड को यहाँ से हम लोग लेके ना इसकी ऑपेसिटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑपेसिटी को 100 करके सिंपल राइट क्लिक कर देंगे और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन व्यू एडिट के ऑप्शंस पे गाइज क्लिक करेंगे डबल एक्सपोजर पेंसिल की आइकन और सिंपल से साइज 100 ही गाइज मिलेगा और फोटो को ऐसे आप जूम कर लीजिएगा गाइज फटाफट से और आपको अपने बॉडी को छोड़ के गाइज ना ऐसे आपको पूरे अपने इस बैकग्राउंड पे इसे ड्रॉ करना होगा। तो गाइज आप फटाफट से ऐसे अपने पूरे बैकग्राउंड पे ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं भी गाइज कर लेता हूँ। सो गाइज जैसे ही आप अपने पूरे बैकग्राउंड पे इसे ड्रॉ करेंगे ना तो कुछ इस टाइप की रिजल्ट गाइज आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो सिंपल गाइज राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक होना होगा और बैक होते ही गाइज ऑल टू ऑल हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं गाइज अभी से फोटो आफ्टर बिफोर यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी ओसम सी दिख रही है। तो फाइनल काम आप हम लोगों का गाइज आ चुका है कि अपने हेयर को ना कैसे आपको ना अच्छे तरीके से वाइट एंड बड़ा करना है। तो उसको करने के लिए गाइज बेहद ज़्यादा सिंपल तरीका है, आप लोगों को क्या करना होगा इस तीर के आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को गाइज यहाँ से शेयर करना होगा अपनी पिक्सार्ट ऐप में। तो गाइज इस फोटो को हम लोग पिक्सार्ट में शेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा गाइज। सो गाइज ये फोटो हम लोग ना यहाँ से पिक्सार्ट में शेयर कर लेते हैं। सो गाइज पिक्सार्ट ऐप में शेयर हो जाने के बाद ना सिंपल से आपको नीचे आना होगा ऐड फोटो के ऑप्शन और ऐड फोटो के ऑप्शंस पे गाइज आप आ जाने के बाद ना सिंपल से यहाँ से एक हेयर पीएनजी हम लोग ले लेंगे और हेयर पीएनजी को लेने के बाद ऐड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके फोटो को ऐसे आपको जूम करना होगा और ऐसे आपको परफेक्ट तरीके से ना आपको अपने हेयर को ऐसे बैठा लेना होगा जैसे कि गाइज मैं बैठा लिया हूँ और सिंपल गाइज यहाँ से राइट क्लिक कर लेंगे और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज तो ऑल टू ऑल जैसे मैंने आप लोगों को थंबनेल में फोटो दिखाया था वैसे यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस फोटो को सेव करने के लिए इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर गाइज क्लिक करेंगे और हम लोग की ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी।